तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग बुद्धिस्ट काउंसिल के बारे में जानेंगे। देखिए, बुद्धिस्ट काउंसिल एग्जाम्स के पर्सपेक्टिव से एक बहुत ही हॉट टॉपिक है, क्योंकि बुद्धिस्ट काउंसिल से रिलेटेड बहुत से सवाल पूछे जाते हैं और हर जगह पूछे जाते हैं। यूपीएससी में तो देखिए हमेशा ये चांसेस रहते हैं कि इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है। बुद्धिज्म और जैनिज्म से रिलेटेड तो वैसे भी यूपीएससी बहुत कुछ पूछती है, तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है, इसके पूरे चांसेस हैं। पीसीएस में भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं, और नॉर्मली अगर आप अपना पढ़ाई भी कर रहे हैं तो वहां पर भी इन्फॉर्मेशन आपके काम की है। तो हम लोग 6 बुद्धिस्ट काउंसिल के बारे में डिस्कस करेंगे। शुरू करते हैं सबसे पहली बुद्धिस्ट काउंसिल के बारे में। ठीक है, सबसे पहले देखिए फ्रेंड्स, जब महापरिनिर्वाण हुआ बुद्धा का कुशीनगरा में 80 साल की उम्र पे, यानी 80 साल की उम्र पे बुद्ध जी की अनफॉर्चुनेटली मृत्यु हो गई, वो हमको छोड़ के चले गए। इसके बाद 483 बीसी के अराउंड, ठीक है, अजात शत्रु जी की, आप कह सकते हो कि जब अजात शत्रु किंग थे, उनके पैट्रोनेज के अंदर ये फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल ऑर्गेनाइज की गई थी। कहां पे ऑर्गेनाइज की गई थी? राजगृह में ऑर्गेनाइज की गई थी। राजगृह में एक सतपानी केव नाम की जगह है, वहां पे ये फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल ऑर्गेनाइज की किंग अजात शत्रु के अंदर। और इसको प्रिसाइड किस मॉन्क ने किया था? तो मॉन्क का नाम था महाकश्यपा। यहां पे हुआ क्या फ्रेंड्स? यहां पे हुआ ये कि देखिए, बुद्धा की जो टीचिंग है, जैसे सुत्त, फिर सुत्त पिताका में बुद्धा की टीचिंग दे रखी है, उनके डिसिपल्स की टीचिंग दे रखी है। विनय पिताका में भाई मॉन्क्स और नंस के लिए क्या नियम है वो दे रखे हैं। तो सुत्ता और विनय में जो कुछ भी दे रखा है उसको प्रिजर्व किया गया यहां पे। अब देखिए यहां पे क्या हुआ फ्रेंड्स, कि इस काउंसिल में एक चीज और बोली गई है बहुत जगहों की, बुद्धा की टीचिंग को 3 पिताका में बांटा गया है, यानी कि सुत्त, विनय, अभिधम्म पिताका। तो अभिधम्म पिताका का देखिए यहां पे मेंशन तो आया था फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल में, पर अभिधम्म पिताका पूरी तरीके से स्टैब्लिश नहीं हुई थी फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल में। अभिधम्म पिताका पूरी तरीके से स्टैब्लिश होगी थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल में, जो कि होगी पाटलिपुत्र में अशोक के अंदर, वहां पे मोगाली पुत्र तिस्सा प्रिसाइड करेंगे। तो यहां पे अभिधम्म पिताका का जिक्र जरूर है, बट पूरी तरीके से अभिधम्म पिताका थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल में ही आपका इंक्लूड हुआ है। इस बात को बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स। ठीक है, आगे चलते हैं। तो सुत्त पिताका और विनय पिताका के नियमों को पूरी तरीके से प्रिजर्व किया गया, सतपानी केव में हुई, राजगृह में हुई, महाकश्यपा मॉन्क प्रिसाइड कर रहे, तो अजात शत्रु के इनके अंदर में हुई। आगे बढ़ते हैं, सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल की अगर हम बात करें फ्रेंड्स, तो सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल कहां हुई? लगभग 383 बीसी के अराउंड में हुई थी ये सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल। यहां पे क्या था कि भैया मोनास्टिक प्रैक्टिसेस को डिस्कस करेंगे, ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल मॉन्क्स मनी को हैंडल कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। और देखिए क्या था ना फ्रेंड्स, कि विनय पताका में एक डिस्प्यूट आ गया था। विनय पताका में क्या डिस्प्यूट आया था कि देखिए विनय पताका में देख रखा है कि भाई जो मॉन्क्स है, नंस है, वो अपनी जिंदगी को कैसे जिएंगे। तो कुछ ऐसे पॉइंट्स थे जिन पे कुछ आप कह सकते हो कि प्रॉब्लम थी, कि इसमें क्या करना चाहिए, इसमें क्या नहीं करना चाहिए। तो ये था कि भैया हॉर्न में सॉल्ट को स्टोर करना है कि नहीं करना है, दिन में खाना खाना है कि नहीं खाना है, दिन में एक बार खाना है कि उससे ज्यादा बार खाना है, भीख मांगने कब जाना है विलेजेस में, ठीक है। तो इस तरीके की बहुत सी चीजों पे बहुत से आप कह सकते हो कि कंफ्यूजन थे, उन कंफ्यूजन को सॉल्व करने के लिए ये सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी। हुई कहां थी? तो भैया वैशाली में हुई थी। कहां पे है वैशाली? प्रेजेंट डे बिहार में है। और किस किंग के पैट्रोनेज के अंदर में हुई थी? तो किंग काल अशोक के पैट्रोनेज के अंदर में हुई थी। और कौन सा मॉन्क प्रिसाइड कर रहा था? सबक कमी मॉन्क इसको प्रिसाइड कर रहा था। यहां पे फ्रेंड्स 3-4 इंपॉर्टेंट चीजें हुई थी कि भाई जो भी आपका डिस्प्यूट था ना अलग अलग सेक्ट्स के बीच में, कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, वो यहां पे सॉल्व नहीं हो पाया और बहुत सारे सेक्ट्स उभर के आए। जैसे एक सेक्ट उभर के आया महासंघिका, यहां से एक सेक्ट ये उभर के आया, हालांकि ये महासंघिका ज्यादा नहीं चल पाया, बहुत जल्दी खत्म हो गया। फिर एक सेक्ट यहां पर निकल गया, थ वी रवड़ा, तो STHAVIRAVADA, तो ये सेक्ट भी यहां से उभर के आया सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल में। तो सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल में हर चीज को ठीक से रिजोल्व नहीं किया गया था, तो बहुत सारे सेक्ट इमर्ज होकर सामने हमारे आए थे। उसके बाद आते हैं हम लोग थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल में। भाई थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल में क्या हुआ? तो देखिए थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी 250 बीसी में पाटलिपुत्र में। किसके अंदर हुई थी? किंग अशोक के अंदर हुई थी। कौन से मॉन्क ने प्रिसाइड किया था? मोगाली पुत्र तिस्सा ने इसको आपका प्रिसाइड किया था। यहां पे जैसा कि मैंने आपको बताया कि अभिधम्म पिताका पूरी तरीके से एस्टैब्लिश हुई थी थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल में। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, फिर से रिवाइज कर रहा हूं, अभिधम्म पिताका का जिक्र जरूर है फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल में, पर पूरी तरीके से वो थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल में ही एस्टैब्लिश हुई थी। इस बात को पूरी तरीके से याद रखिएगा फ्रेंड्स। आगे चलते हैं, फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल की बात करते हैं। फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल हुई भाई आपकी 72 AD में। कहां पे हुई? कुंडलवाना कश्मीर में हुई।
यहां पे इसको प्रिसाइड किसने किया था, वासुमित्र ने प्रिसाइड किया था, उनके डेप्यूटी कौन थे, अश्वघोष उनके डेप्यूटी थे। पैट्रोनेज किसका था, किस किंग के अंदर हुई थी, तो कुषाण किंग कनिष्क के अंदर हुई थी, कुषाण अंपायर के जो किंग थे कनिष्क, कनिष्क एक बहुत ही महान राजा रहे हैं कश्मीर के, तो उनके अंदर में हुई थी। यहाँ पे बुद्धिज्म दो सेक्ट्स में बट गया था, एक महायान और हिनायन, ये महायान और हिनायन दो व्हीकल्स थे बुद्धिज्म के, तो इनमें बट गया था। यहाँ पे एक और इंपॉर्टेंट पीस ऑफ इंफॉर्मेशन बताना चाहूंगा फ्रेंड्स, कि कुछ लोग जो फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल को मानते हैं ना, वो मानते हैं कि फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल तंबापन्नी नाम की एक जगह है श्रीलंका में, यहां पे हुई है, ऐसा कुछ लोगों का कहना है। ठीक है, तो तंबापन्नी नाम की एक जगह है श्रीलंका में, कुछ लोगों का यह मानना है कि यहां पे हुई थी आपकी फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल, और ये एक जगह है वहां पे अलोक लेन, वहां हुई थी अलोक लेन, और कहा जाता है कि उस समय पे जो राजा था, उस जो राजा का नाम था वो था वतगमानी अबया, मैं लिख देता हूं आपको वतगमानी अबया। तो कुछ लोगों के हिसाब से ये था आपकी फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल की डेट, लेकिन देखिए इसको फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल नहीं बोला जाता है, इसको इसलिए नहीं बोला जाता है क्योंकि जो वतगमानी अबया था, पहली बात तो ये एक प्रॉपर रूलर नहीं था, ही वॉज अ ट्राइबल चीफटेन, लोकल चीफटेन था, प्रॉपर किंग नहीं था, तो इसके पास ये पावर नहीं थी कि फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल को कर सके। प्लस वतगमानी जो अबया था ना, वो जैन्स के प्रति बहुत क्रूअल था, उसने बहुत जैन्स को मारा था, जैन के रिलीजियस प्लेसेस को तोड़ा था, एक महायान टेंपल को बनवाया था उसकी जगह पे, तो इस तरीके की क्रूअल प्रैक्टिसेस वतगमानी अबया की बहुत ज्यादा थी, तो इस वजह से जो तंबापन्नी अलोक लेना में जो फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल हुई, उसे फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल नहीं माना गया। फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल किसे माना गया, जो कुंडलवाना कश्मीर में हुई कनिष्क के अंदर में। ठीक है, आगे बढ़ते फिफ्थ बुद्धिस्ट काउंसिल में आते हैं, तो आराम से हो जाएगा फ्रेंड्स। फिफ्थ बुद्धिस्ट काउंसिल हुई आपकी 1871 में मेंडले बर्मा में। ठीक है, कौन था, किस किंग के अंदर हुई, किंग मिंडोन के अंदर हुई, किसने इसको प्रिसाइड किया, तो जगर अभिवंसा ने, नरेंद्र भिदजा ने, सुमंगल समानी ने। इतना नहीं भी याद रहेगा चलेगा, याद रखिएगा बर्मा में हुई, 1871 में ही मिंडोन के अंदर में हुई है। ठीक है, काफी चीजें बस इतनी ही याद रखिएगा। और कहा गया था कि भैया यहाँ पे जो टीचिंग से बुद्धा की उनको रिसाइट किया गया था, उनको ढंग से सिस्टमेटिकली एग्जामिन किया गया, देखा गया कि क्या जोड़ना चाहिए क्या घटाना चाहिए, इस तरीके से चीजें हुई। आगे हम लोग बात करते हैं सिक्स बुद्धिस्ट काउंसिल की, तो देखिए सिक्स बुद्धिस्ट काउंसिल फ्रेंड्स 1954 में हुई है बर्मा में, एक जगह है काबा आय नाम की यंगून में, वहां पे हुई है, बर्मीज गवर्नमेंट के अंदर में हुई थी, और उसको प्रिसाइड किसने किया था, प्राइम मिनिस्टर यू नू ने। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट पीस ऑफ इंफॉर्मेशन था। तो देखिए फिफ्थ और सिक्स बुद्धिस्ट काउंसिल तो इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि ये तो एंशियंट हिस्ट्री में पहली बात आती नहीं है, इन पे क्वेश्चन शायद ही कहीं आज तक पूछा गया हो, नॉर्मली यूपीएससी में तो शायद नहीं पूछा गया है इन पे क्वेश्चन। ठीक है, तो इस ये जो सिक्स बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी, इसमें लगभग 500 बुद्धिस्ट स्कॉलर्स ने 8 कंट्रियों से पार्टिसिपेट किया था, और 2500 साल की जो बुद्धिज्म की हिस्ट्री थी उसको यहां पे सेलिब्रेट किया गया, कहां पे, सिक्स बुद्धिस्ट काउंसिल में। तो ये बुद्धिस्ट काउंसिल के बारे में मैंने पूरा आपको बता दिया फ्रेंड्स, अगर आप पसंद आया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा फ्रेंड्स, क्योंकि इससे काफी मदद मिलेगी। कमेंट्स के थ्रू बताएं आपको वीडियो कैसी लग रही है, अपनी फेसबुक प्रोफाइल पर, अपनी इंस्टाग्राम प्रोफाइल पर इन वीडियोस को जरूर शेयर कर दें फ्रेंड्स। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे, गुड बाय।